तो ये कॉमन सेंस है कि दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए। ये अलग सा आके धर्म शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर हम दूसरों को कष्ट देंगे वो कर्म के अनुसार समय के अनुसार हमारे पास फिर से आएगा। जो ज्ञानी है उसके पास पहला गुण होना चाहिए नम्रता, और बिना अहंकार का रहना चाहिए, तभी व्यक्ति अहिंसा का मार्ग का पालन कर सकता है, नॉन वायलेंस। क्योंकि जब बहुत गर्व रहेगा और व्यक्ति नम्र नहीं रहेगा तो क्या करेगा, नेचुरली दूसरों के ऊपर शोषण करेगा, अपने आप को महान सोचेगा, दूसरों को तुच्छ सोचेगा और शोषण करेगा। जब तक व्यक्ति नम्र नहीं है और प्राइडलेस बिना अहंकार के नहीं है, तब तक व्यक्ति दूसरों को बिना हानि पहुंचा के रह नहीं सकता, दूसरों को निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा। अहिंसा के बाद उसको टॉलरेंस भी चाहिए, सहनशीलता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये सबसे प्रमुख श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, कि तृण से ज़्यादा तुच्छ समझना, नम्र रहना, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनना। तो पेड़ कितना सहनशील होता है, उससे ज़्यादा सहनशील बनना। तो अहिंसा के बाद अगला दो गुण है सहनशीलता, टॉलरेंस, एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग, सरल जिंदगी जीना है। तो ये अलग अलग जो लक्षण हैं जिसके पास ज्ञान है, कृष्ण गीता में बहुत विस्तार से बताते हैं कि व्यक्ति को सहनशील होना है, नम्र बनना है, उसके बाद उसको सरल जिंदगी जीना है, उसके साथ साथ उसको दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, अमानी न मान देना, स्वयं को मान की अपेक्षा न करते हुए दूसरों को सम्मान देना। खासकर जो महान आचार्य हैं, गुरु हैं, संत हैं, उनको सम्मान देना, और अपने इंद्रियों का दमन करना, कंट्रोलिंग द सेंसेस, लर्निंग टू बी अनअटैच फ्रॉम फैमिली एंड होम, परिवार के प्रति, घर के प्रति विरक्ति उत्पन्न करना, एंड सबसे प्रमुख इनएक्टिंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। सबसे प्रमुख है भगवान की भक्ति, जो भगवान की भक्ति करेगा, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जो भगवान की भक्ति करेगा, सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुरा, उसके पास ये सब जो गुण हैं ऑटोमेटिकली आएंगे।